नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी कतलकर आपके साथ। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट पे। जल्द ही अब नक्सल ग्रस्त और आदिवासी जिले के छात्र छात्राओं को पायलट बनने के लिए चंद्रपुर में फ्लाइंग क्लब शुरू कर उन्हें ट्रेन किया जाएगा। इसके अंतर्गत मोरवा विमानतल पर प्रात्यक्षिक लेते हुए टेक ऑफ लैंडिंग और हवाई मार्ग में आने वाली समस्याओं के साथ प्रशिक्षण संबंधी अन्य आवश्यक मुद्दों का निरीक्षण किया गया। पोंभुर्णा के ग्राम सेवक उमरी पोद्दार को 13,000 की रिश्वत स्वीकारते हुए किया गया रंगे हाथ गिरफ्तार। ग्राम सेवक देवानंद गिड़ाम ने योगा शेड के काम के बिल की रकम निकालने हेतु शिकायतकर्ता से 5% की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद 13,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए इस ग्राम सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 6 अक्टूबर को हजारों विद्यार्थियों ने चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठ कर दिया धरना। सरकार द्वारा स्कूलों के निजीकरण और सरकारी नौकरियों के कंत्राटीकरण का विरोध करते हुए हजारों छात्रों ने निषेध दर्शाया। बीते दिनों शुक्रवार को सुबह 5 बजे अंबुजा सीमेंट कंपनी के टावर पर चढ़कर 6 प्रकल्पग्रस्तों ने शुरू किया था वीरूगिरी स्टाइल में आंदोलन। इस आंदोलन का असर यह हुआ कि प्रकल्पग्रस्तों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उपविभागीय अधिकारी ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन वापस लिया। माता अर्जुन के झाड़ियों में आम के पेड़ से फांसी लगाकर प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। पाटन पुलिस द्वारा पंचनामा कर कार्रवाई की जा रही है। लड़के की उम्र 25 वर्ष होकर लड़की की उम्र 19 वर्ष है और जानकारी के मुताबिक दोनों के प्रेम संबंध पिछले 4 वर्षों से होने की चर्चा परिसर में शुरू है। सरकार के निर्णय का हर तरफ हो रहा है जमकर निषेध। निजीकरण और कंत्राटीकरण के विरोध में यवतमाल में भी हजारों युवकों ने जिला कार्यालय पर दी दस्तक। गौरतलब है कि इस निषेध मोर्चा में हजारों बेरोजगारों का समावेश था। बस्तर फाइटर के सिपाही शंकर कुड़ियम का 29 सितंबर को हुआ था नक्सलियों द्वारा अपहरण। इस जवान के अपहरण की खबर नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति से दी थी और अब 7 दिनों बाद जानकारी है कि नक्सलियों ने इस जवान को छोड़ दिया है। मनपा ने शहर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में रैली या उत्सव के दौरान पेपर ब्लोअर मशीन पर लगाई पाबंदी। पेपर ब्लोअर मशीन से कागज अथवा प्लास्टिक पेपर के टुकड़े उड़ाने पर संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी फौजदारी कार्रवाई। 6 अक्टूबर की रात घुघुस के चिंचोली घाट पर पहुंचे तहसीलदार विजय पवार। अंधेरे में खेला जा रहा रेत तस्करी का खेल उजागर करते हुए 3 ट्रैक्टरों को किया जब्त। सरकार द्वारा लिए गए स्कूलों के निजीकरण और सरकारी नौकरियों के कंत्राटीकरण जैसे निर्णय के विरोध में 9 अक्टूबर को चिमूर तहसील कार्यालय पर निकाला जाएगा आक्रोश मोर्चा। सरकार के इस निर्णय का अगर हर क्षेत्र से निषेध ही किया जा रहा है तो सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय किसके भले के लिए है, ऐसा सवाल अन्य नागरिकों द्वारा पूछा जा रहा है। आजच्या धकाधकीच्या जीवनात विरंगुळा मिळावा यासाठी निसर्गरम्य परिसरात वास्तव्य करावे ही सर्वांचीच मनापासून इच्छा असते आणि ती पूर्ण करता येईल साई नगरी येथे प्लॉट खरेदी करून। चंद्रपूर येथील विमला देवी आयुर्वेदिक कॉलेजला लागून असलेल्या मौजा वांड्री येथे सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असलेले प्लॉट उपलब्ध आहेत। तेही फक्त 399 रुपये प्रति स्क्वेअर फूट। आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही रक्कम आपल्याला एकाच वेळी द्यायची नाही, ती आपण देऊ शकता 12 महिन्यांच्या दीर्घ मुदतीत। आजच आम्हाला खाली दिलेल्या क्रमांकावर कॉल करा, आमची कार तुम्हाला घरी घ्यायला येईल आणि आपलं स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता घेऊन जाईल। आमच्या ऑफिसचा पत्ता आहे आदर्श पेट्रोल पंप जवळ बंगाली कॅम्प चंद्रपूर। मोबाईल नंबर 9529155618 आणि 9422138523। तर एकदा अवश्य भेट द्या। तो सीटीव्ही न्यूज हर कदम खबर की ओर में अति खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।